टाटा संस के जुड़ने के बाद एयर इंडिया के पंख फैल रहे हैं। एयर इंडिया अपनी विमान सेवाओं में लगातार विस्तार कर रहा है। विमान सेवाओं से लेकर नए विमानों की खरीद में एयर इंडिया लगातार आगे बढ़ रही है। अब एयर इंडिया ने एविएशन सेक्टर की सबसे बड़ी डील की है। एयर इंडिया ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 500 नए विमानों की खरीद के लिए डील की है। एयर इंडिया को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए कंपनी ने 500 नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। आपको बता दें कि एविएशन के इतिहास का ये सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट ऑर्डर है। एयर इंडिया ने 100 अरब डॉलर से अधिक में ये डील की है। कंपनी ने इसके लिए फ्रांस के एयरबस और अमेरिका की बोइंग के साथ डील की है। खबरों की माने तो एयर इंडिया ने 430 नैरो बॉडी और 70 वाइड बॉडी प्लेन का ऑर्डर दिया है। इसमें 280 विमान एयरबस से खरीदे जाएंगे, जिसमें 210 सिंगल एगल वाले और 40 वाइड बॉडी वाले विमान होंगे। एयरबस के अलावा बोइंग से 220 विमान खरीदने की तैयारी है। इसमें 737 मैक्स नैरो बॉडी जेट, 787 वाइड बॉडी, 770 XS विमान शामिल हैं। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते इस बारे में कंपनी की ओर से जानकारी साझा की जाएगी। खबर के मुताबिक एयर इंडिया इन विमानों की मदद से खुद को वर्ल्ड क्लास एयरलाइन बनाने की दिशा में काम करेगी। वहीं एयर इंडिया की सस्ती विमान सेवा एयर इंडिया एक्सप्रेस की सर्विस को और विस्तृत किए जाने पर भी फोकस होगा। इस बारे में अभी एयर इंडिया की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सामने तो नहीं आई है, लेकिन गौरतलब है कि टाटा समूह के स्वामित्व वाले एयर इंडिया SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा से 18,000 करोड़ रुपए का लोन लेने चाह रही है। एयर इंडिया अपने शॉर्ट टर्म में अपने मौजूद लोन को रिफाइनेंस करने के लिए ऐसा करेगी। एयर इंडिया अपने एक्सपेंशन प्लान पर काम कर रही है। एयरलाइंस का फोकस ऑन टाइम प्रदर्शन पर है। फ्लाइट में यात्रियों की सुविधा में विस्तार किया जा रहा है। सिंगापुर एयरलाइंस ने टाटा के साथ अपने जॉइंट वेंचर विस्तार का मर्जर एयर इंडिया में करने का ऐलान किया है।